वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो 75.55 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है सेल स्टॉक, यानी कि 1.95 पैसे की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। आज यहाँ पे सेल स्टॉक में फिर से एक बार 2.45% की गिरावट यहाँ पे होती हुई नजर आ चुके हैं, यानी कि आज ओपन होते ही देख सकते कि तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ। ओपन होते ही ऊपर यहाँ पे 78 लेवल पे रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिली, उसी में यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग और 77 लेवल को ब्रेकआउट देते हुए नीचे चला गया। रिसेंटली 76 लेवल के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है सेल स्टॉक, यानी कि देख सकते कि 75.65 पे ट्रेडिंग कर रहा है। मार्केट कैप 31.21,000 करोड़ का है, पी रेशो 2.55 का है और डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक। तो देखा जाए पिछले 5 दिनों के ऊपर नजर डाली जाए तो पिछले 5 दिनों में 2.23% की तेजी, यानी कि एक अच्छी तेजी के बाद यहाँ पे 77 पे रेजिस्टेंस लगा और फिर से गिराव स्टॉक में देखने को मिली है। तो देखा जाए तो वॉल्यूम के ऊपर भी नजर डाली जाए आज के तो 1,58,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है सेल स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 12,189,00,000 की है, बाइंग के लिए 21,00,000 से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 48,00,000 से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो देख सकते 1,42,00,000 में से 62,00,000 क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके, टोटल 43% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं सेल स्टॉक के अंदर। चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो देख सकते कि पिछले 2 दिन यहाँ पे स्टेबल था 77 लेवल के ऊपर, पर आज देख सकते कि 77 लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर से बेरिश कैंडल के साथ यहाँ पे गिराव देखने को मिले। तो मंथली जो प्यूट है वो भी देख सकते हैं तकरीबन 73.35 लेवल पे, जबकि 75 लेवल को ब्रेक करता है तो उस लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।